नोटिस मिला है और उस जो नोटिस आप लोगों को दिया गया उसमें कहा गया है कि मुझे सस्पेंड किया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए। मैं भी इसका जवाब दे रहा हूं। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि वह मुझे ड्राफ्टिंग में मदद करेंगे, उसमें स्पेसिफिक नहीं है कुछ कि मैंने कहां पर एंटी पार्टी एक्टिविटी की, क्या स्पेसिफिकली मुझसे गलती हुई। डीडीसीए के भ्रष्टाचार को लेकर मैं पिछले 9 सालों से मामला उठाता रहा हूं और इसको कभी मैंने पार्टी का माध्यम नहीं बनाया, क्योंकि ये पार्टी का माध्यम नहीं था, इसलिए इसको मैं पार्टी के बाहर लड़ रहा था। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या डीडीसीए के विरुद्ध, वहां के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैंने आवाज उठाई, इसलिए मेरे विरुद्ध पार्टी के अनुशासनहीनता मैंने पार्टी के साथ की है। और यदि डीडीसीए पार्टी का मामला है तो फिर बीसीसीआई भी पार्टी का मामला होना चाहिए। मैंने आईपीएल के ऊपर, वहां के चोरी के ऊपर कितने प्रश्न उठाए हैं और उसके ऊपर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुडगिल कमेटी लगाई थी, फिर चीफ जस्टिस लोढ़ा कमेटी बनी, अभी भी उस पर अनुसंधान चल रहा है। तो वह मैं पर्सनल कैपेसिटी में डीडीसीए में पीआईएल करूंगा, क्योंकि यह पर्सनल कैपेसिटी में ही मैंने उस समय बात की थी। लेकिन स्पेसिफिकली मेरे लिए यह जानना जरूरी होगा कि यदि मैं दूसरी पार्टियों से मिला तो इतना तो अधिकार मुझे है कि मेरी पार्टी मुझे बताएगी कि मैं किससे मिला, कब मिला, क्या मुझे सपना आया था। आप पार्टी जो कल की पार्टी खड़ी हुई है, वह 9 साल पहले मुझे सपना आ गया। इतना बड़ा ज्ञानी अंतर्ध्यानी तो नहीं हूं मैं कि वो पार्टी आने वाली है इसलिए उसके साथ मैंने तब से शुरू कर दिया था। आज मैं भाई नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि इसमें अवश्य घुसे आए, बीच में देखें और बताएं कि मेरी गलती क्या है। स्पेसिफिक आंसर्स की जरूरत है और मैं भी आज शाम तक में वापस लिखूंगा अपनी पार्टी को। मैं बहुत ही सीधे और स्पष्ट भाषा में माननीय अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा कि मुझे जो नोटिस मिला है, आपको शायद एक ही लाइन मिला है, मैं स्पेसिफिक जानकारी चाहूंगा। अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। और पार्टी में सच बोलना मुझे नहीं लगता गुनाह है, लेकिन यह किसी भी माणक पे अगर सच बोलना गुनाह है तो